just follow your trail, and the love's in your mind, and the love's in your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way. तो ऑल इंडिया के साथ चुके नित्य वीडियो लेके, तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सोलोरस के फाइव फिंगर क्लॉ सेटअप के बारे में, जो रिफ्लेक्सेस के ऊपर बना हुआ है। अगर कहीं आप इस क्लॉ सेटअप को मास्टर कर लेते हो तो कहीं आप लोगों के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। तो चलो आज की वीडियो को शुरू कर लेते बिना किसी देरी के, और भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी चार ड्रिल्स बताई जिनका यूज करके आप लोग अपने रिफ्लेक्स भी बढ़ा पाओगे और इस फाइव फिंगर क्लॉ को बहुत जल्दी सीख भी पाओगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो कि सबसे पहले बात कर लेते सोलोरस के इस क्लॉ सेटअप के बारे में, आप लोगों को मैं सबसे पहले क्लॉ सेटअप बता देता हूं। तो कि आप लोग देख सकते हो ये सोलोरस का क्लॉ सेटअप, आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हो, इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। कुछ लोग आजकल क्लॉ कोड मंगाने लग गए, तो कहीं ये क्लॉ कोड आप लोग इसको देख सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। अब कहीं बात कर लेते सोलोरस के, भाई अब सोलोरस के सेटअप में मतलब फाइव फिंगर क्लॉ सेटअप में कैसा रिकॉइल कंट्रोल हो रहा है, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई कितना अच्छे तरीके से रिकॉइल कंट्रोल होता है सोलोरस की फाइव फिंगर क्लॉ सेटअप में। गाइस आप लोग इजीली लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और अगर गाइस आप लोग क्लोज रेंज में भी कभी कभी एडीएस खोल के फायर करते हो तो गाइस आप लोगों को अच्छे से स्प्रे कंट्रोल हो जाएगा और आप लोग इजीली बंदों को मार पाओगे। गाइस आप चाहे लॉन्ग रेंज में क्यों ना मार पाओ, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से आप रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो, प्रोन होके भी, क्राउच होके भी और खड़े होके भी गाइस आप लोगों का अच्छा खासा रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते कुछ ड्रिल्स की, तो गाइस आप लोगों को इस ड्रिल्स को रोज प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप लोग इजीली इस क्लॉ सेटअप को यूज़ करना सीख जाओगे। इससे आप लोगों के इन ड्रिल से कुछ रिफ्लेक्स भी ठीक होंगे, एम भी ठीक होगा और साथ ही साथ आप लोग रिकॉइल भी कंट्रोल कर पाओगे। अब बात करते हैं ड्रिल नंबर वन। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ड्रिल नंबर वन क्विक प्रोन की। तो क्विक प्रोन में गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, प्रोन बटन के साथ आप लोगों को अपना गन स्विच वाले बटन में क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि गाइस आप लोगों की एनिमेशन स्किप हो जाएगी और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल और ये चाइनीज प्लेयर्स लाए थे, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो और ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना है रोज। तो गाइस इससे क्या होगा कि आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आप लोगों की बुलेट रिलोड में चली जाती है, मतलब गन रिलोड में चली जाती है, तो आप लोग इजिली इससे गन स्विच कर सकते हो और इजिली प्रोन होकर जल्दी से आप लोग फायर कर पाओगे। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रिल नंबर टू की। ड्रिल नंबर टू में आप लोगों को इस लोकेशन में आ जाना है जहाँ पे मैं आ गया हूँ। सामने की तरफ से आपको कुछ टारगेट्स दिखेंगे, आप लोगों को क्राउच होना है, जल्दी से स्कोप खोल के इनको मतलब डाउन करने की कोशिश करना है। इन टारगेट को आप लोगों को सामने की तरफ दो टारगेट दिखेंगे, अपन दो टारगेट को भी कर सकते हो और आपको यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट भी दिखेगा जो एक बोर्ड में लगा है, आप लोगों को उसको भी डाउन करना है। तो गाइस इसको आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करना है 7 दिन तक, आप लोग भाई आप लोगों की भाई जो रिफ्लेक्स होगी भाई वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रिल नंबर थ्री की। ड्रिल नंबर थ्री को आपको इस लोकेशन में आ जाना है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ और देन सामने की तरफ आपको बहुत सारे टारगेट्स दिख जाएंगे। देन आप लोगों को उन टारगेट के ऊपर आपको चार टारगेट चूज करना है। देन चार टारगेट चूज करने के बाद आप लोगों को एम ट्रांसफर करते हुए सबके ऊपर फायर करना है। उन चारों के ऊपर अगर फायर करोगे तो आप लोगों का एम ट्रांसफर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप दो दो स्किप करके भी आप लोग फायर कर सकते हो। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे इसको प्रैक्टिस करते हो, इससे आप लोगों का एम ट्रांसफर, रिकॉइल कंट्रोल और रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रिल नंबर फोर की। तो गाइस ये ड्रिल नहीं है, एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट का नाम है जिगजैग मूवमेंट। आप इसको तब यूज़ कर सकते हो जब आपको पीछे से फायर आ रहे हो और गाइस आप लोगों को कवर में जाना है, तो आप इस मूवमेंट का यूज़ करके आप लोग अपनी जॉयस्टिक को भी मास्टर कर सकते हो। आप लोग इसको TPP और साथ ही साथ FPP में कर सकते हो। गाइस मैंने बहुत सारी ड्रिल्स के ऊपर वीडियोज़ बना रखी है, तो गाइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और कहीं कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा सोलोरस का क्लॉ सेटअप, और ये भी बता देना कि गाइस आप लोग किसका और क्लॉ सेटअप चाहते हो।